यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के कान्हा उपवन गौशाला जाएंगे। खास बात यह है कि सीएम कान्हा उपवन मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव के बुलावे पर जा रहे हैं। योगी के सीएम बनने के बाद अपर्णा यादव ने अपने पति प्रतीक यादव के साथ उनसे मुलाकात की थी और कान्हा उपवन आने का न्योता दिया था। कान्हा उपवन गौशाला में लावारिस गाय भैंसों के साथ ही दूसरे जानवरों की देखभाल होती है और ये गौशाला अपर्णा यादव की एनजीओ चलाती है। लखनऊ के कान्हा उपवन में इंडिया 24/7 संवाददाता विवेक तिवारी मौजूद हैं। एक रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हुए हैं जीवाश्रय एनजीओ द्वारा संचालित गौशाला में। ये इसको कान्हा उपवन कहते हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर गाय और नंदी हैं। ये ऐसे जानवर हैं जो सड़कों पर लावारिस घूमते हैं और उनको यहाँ पर लाकर उनकी देखभाल की जाती है। हमारे साथ अशोक श्रीवास्तव जी हैं जो इस पूरी संस्था का कामधाम देखते हैं। अशोक जी, हमको बताइए कि क्या क्या काम यहाँ पर होता है, किस तरह से देखभाल होती है। ये प्रेमिसेस कान्हा उपवन नगर निगम का है, लेकिन जीवाश्रय इसको देखभाल करती है, मैनेजमेंट करती है। और जो जानवर लावारिस होते हैं, बीमार होते हैं, शहर में इत्तला मिलती है या हमारे वॉलेंटियर स्वयंसेवक लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हमारी एम्बुलेंस है, वो इत्तला मिलने पर पहुँच जाती है। डॉक्टर की टीम जाती है, मौके पे फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं जितना आवश्यक है, और अगर कंट्रोल के बाहर हो रहा है तो यहाँ पे हॉस्पिटल है दाहिनी तरफ मेरे, जहाँ पे हम खड़े हैं, पूरा इलाज होता है, दवाई दी जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है, पूरी टीम है इलाज की। और उन पशुओं को यहाँ पे रखा जाता है, चारा दिया जाता है, उनके गोबर से गायों के खाद बनती है, गौमूत्र के लिए अभी बातचीत चल रही है दवा वगैरह बनाने की। ये जो गाय यहाँ पर हैं वो किस तरह की गाय हैं? ये सब लावारिस हैं जो शहर में घूमती रहती हैं, उनको हमारी गाड़ियाँ जाती हैं, लेके आती हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अगर जिसके यहाँ पली होंगे ओनर है तो वो तो स्वयं देखभाल करेगा, इसलिए हम लोग लावारिस पशुओं की देखभाल करते हैं, इलाज कराते हैं और उनको चारा प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो गायें हैं ये दूध देने में तो अक्षम होंगी? नहीं, दूध देती हैं और दूध का विक्रय भी किया जाता है, उसका उपयोग इन लोगों के चारा में ही किया जाता है जो थोड़ा बहुत मिलता है। बहुत ज़्यादा दूध देने वाली नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत मिल जाता है, और बाकी तो जो बिल्कुल ही लावारिस होती हैं उनकी ऐसे ही देखभाल करते हैं बिना दूध के। कितने डॉक्टर्स और कितने लोग हैं जो ये सारी देखभाल करते हैं? 4-5 डॉक्टर्स हैं और करीब 50 लोगों की मेरी टीम है, और हॉस्पिटल भी है यहाँ, और 800 गाय हैं यहाँ पे, 840 नंदी हैं। हमको पता लगा बहुत खराब स्थिति में यहाँ पर जानवर पशु लाए गए, गाय लाए गई, नंदी लाए गए, और उनका ठीक से उपचार हुआ और वो अब ठीक हैं। ऐसी कितनी घटनाएं आपको याद हैं? कम से कम 50 पशु ऐसे हैं जो लाए गए बिल्कुल मरी हालत में थे, लेटे हुए थे सड़क पे, उनको किसी तरीके से हम लोगों की टीम ने उठा के गाड़ी में डाला है और फर्स्ट एड प्रोवाइड किया, यहाँ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया है। और आज आप देख सकते हैं चारों ओर कैमरा घुमा के कि सब गायें स्वस्थ हैं, चारा खा रही हैं, और सबका मेडिकल चेकअप होता है, चारा भी डॉक्टर्स देखभाल में होते हैं। 4 बहुत बड़े सेट बने हुए हैं गायों के लिए, और ऐसे ही 4 सेट बने हुए हैं नंदी के लिए, बाकी पीछे कुत्तों के लिए बने हुए हैं, और भी जानवरों के लिए सेट बने हुए हैं। काफ़ी उपयुक्त जगह है और काफी जानवर रखे जा सकते हैं। ये जीवाश्रय संस्था के कर्ता धर्ता अशोक श्रीवास्तव जी जो सारा यहाँ का काम धाम देख रहे हैं, इन्होंने जैसा बताया कि एक बड़ी अच्छी जगह है लखनऊ में, और जो जानवर लावारिस होते हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, जिनकी हालत बहुत खराब होती है, जानकारी मिलने पर उनको यहाँ लाया जाता है। और आप देखिए नज़ारा, साफ सुथरी जगह है, अच्छा चारा यहाँ पर मिलता है गायों को, पूरा ट्रीटमेंट होता है, थोड़ा बहुत दूध भी होता है जो इन्हीं यहीं पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन आवारा पशुओं के लिए, खासतौर से गायों और नंदी के लिए, ये एक उपयुक्त स्थान है लखनऊ में, जो 10-12 सालों से एक निजी संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन जयप्रकाश के साथ मैं विवेक तिवारी, इंडिया 24/7 लखनऊ। विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। विवेक, ना गौशाला में दिक्कत है, ना योगी के वहां जाने पर दिक्कत है, ना अपर्णा यादव के उसे चलाने में दिक्कत है, लेकिन जब अपर्णा यादव गौशाला को चलाएं और योगी वहां जाएं तो न जाने कितने सवाल हैं और कितने जवाब आप देंगे, तो आप बताइए कि क्या सबसे उपयुक्त है। देखिए, सियासी तौर पर अगर देखें तो ये कोई साधारण बात नहीं है कि जिस एनजीओ के संरक्षक प्रतीक यादव और अपर्णा यादव हों और वहां पर योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। हालांकि मकसद कुछ और है, गौशाला का निरीक्षण करना है, गायों को यहाँ पर वो चारा भी अपने हाथ से खिलाएंगे। गायों से महंत योगी आदित्यनाथ का प्रेम कितना है ये सभी जानते हैं। गौरक्षपीठ में भी सैकड़ों की संख्या में गायें हैं, और यहाँ लखनऊ में भी 5 KD पर जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर भी गायों की देखभाल, गायों को लाया गया है, उनकी सेवा करने के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। ये अलग बात है कि अब
एक बड़े सियासी परिवार से जुड़ी हुई दो सदस्यों की ये एनजीओ है और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का आना कहीं ना कहीं कोई सियासी बाउंडर जरूर है या अंदर खाने कुछ पक्ष जरूर रहा है जिसको लेकर के अभी चीजें अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी इसके मुखिया मुलायम सिंह यादव के परिवार में जिस तरह की उथल पुथल मची हुई है और इलेक्शन के रिजल्ट आने के पहले ही साधना गुप्ता जो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी जिनके बेटे हैं प्रतीक यादव उनका जो बयान टीवी पर हम लोगों ने देखा है उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई जो बात है वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है। अपर्णा यादव की अगर हम बात करें तो अपर्णा यादव हमेशा से बीजेपी के बड़े नेताओं की मुरीद रही हैं। नरेंद्र मोदी जब लखनऊ आए थे तो वहां भी उस प्रोग्राम में गई थी। राजनाथ सिंह के कार्यक्रमों में भी वो जाती रहती हैं। योगी आदित्यनाथ के भी कार्यक्रमों में वो यहाँ पर लखनऊ में एक दो जगह पर देखी गई है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा सियासी खिचड़ी पक रही है जिसको अभी पकने में हो सकता है थोड़ा वक्त लगे लेकिन इशारा दिया जा रहा है कि कुछ अलग होने जा रहा है समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के परिवार में। ये साधारण बात नहीं कही जा रही। बिल्कुल विवेक, आपने कहा खिचड़ी पक रही है। योगी को खिचड़ी भी बहुत पसंद है। गोरखपुर में तो खिचड़ी भोज होता है। खिचड़ी पर भी नजर रखिएगा। बहुत शुक्रिया।